जब आप अपने घरों से कहीं जाने के लिए निकलते हैं और सड़कों पर अपनी बाइक या कार ले जाते हैं, तो आप नोटिस करते होंगे कि सड़क के किनारे अलग अलग रंग के मील के पत्थर दिखाई देते हैं, जिन्हें माइलस्टोन कहा जाता है। पर ये माइलस्टोन सड़क के किनारे क्यों रखे जाते हैं और ये अलग अलग रंग के क्यों होते हैं, ऐसे ही आपको कुछ कमाल की जानकारी देंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैसे तो मील के पत्थर का असली इस्तेमाल आपको बताना होता है कि आपकी मंजिल उस जगह से कितनी दूरी पर है, लेकिन इस पर अलग अलग रंग की पट्टियां भी बनी होती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इन अलग अलग रंग की पट्टियों का मतलब क्या होता है। अगर माइलस्टोन पर आपको पीले रंग की पट्टी दिख जाए तो उसका मतलब है कि आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। नेशनल हाईवे का काम शहरों और राज्यों को एक दूसरे से जोड़ना होता है और ये 70,000 किलोमीटर से भी अधिक में फैला है। अगर आपको माइलस्टोन पर हरे रंग की पट्टी दिख जाए तो आप स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं। स्टेट हाईवे 1.5 लाख किलोमीटर से भी अधिक में फैला है और स्टेट हाईवे उसी राज्य के सरकार द्वारा बनाया जाता है और वही राज्य उसका देखभाल भी करती है। और अगर वहीं आपको माइलस्टोन पर काले, नीले या सफेद रंग की पट्टी दिखे तो आप किसी शहर या जिले में चल रहे हैं और इन सड़कों का देखभाल उसी शहर या जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। और अगर माइलस्टोन पर नारंगी रंग की पट्टी दिखे तो आप गाँव की सड़क पर हैं, जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया है।